जयपुर आ चुका है और जयपुर के रेलवे स्टेशन पे मैं उतर चुका हूँ और अब बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर होटल वगैरह थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे मिल पाता है। जयपुर में आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही ढेरों होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन होटल्स की सही लोकेशन और प्राइस के लिए आपको स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर दूर आईटीसी होटल के सामने वाली गली में जाना होगा। होटल का जो रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रूम में आ चुका हूँ मैं और ये डबल बेड रूम है, डिलक्स रूम है और इसकी जो लोकेशन थी वो तो आपने देख ली होगी, जो स्टेशन से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है और प्राइस वाइज बहुत ही जेन्यून है। 1200 रुपये में यहाँ पर है पर नाइट टू एडल्ट्स के लिए और होटल का नाम राज पैलेस है। इस लेन में ऐसे और भी कई होटल है तो किसी भी आप होटल को चूज कर सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन चाहे तो ऑफलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी बाहर चलते हैं और यहाँ के लोकेशंस को अब एक्सप्लोर करते हैं। अब जयपुर घूमने के लिए कई सारे तरीके तो हैं, वैसे तो आप ऑटो से घूम सकते हैं, आप टैक्सी ले सकते हैं, कैब ले सकते हैं, लेकिन मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर स्कूटी। स्कूटी यहाँ पर मिल जाती है और प्राइस कितना है यहाँ पर आप देख लो, 350 रुपये में यहाँ पर डे का आपको स्कूटी मिल जाता है और आराम से आप दो लोग हैं, कपल हैं तो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और जो होटल है ना अपना इधर इसी लेन में है और बस मैं आया बाहर, लिखा हुआ था 350 रुपये में और आपके पास डीएल होना चाहिए जो कि कंपलसरी है और हेलमेट वगैरह ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं, पेट्रोल आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से डलवाओ। स्कूटी लेके सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बिरला मंदिर के लिए, लेकिन उसके पहले भरवाएंगे पेट्रोल क्योंकि एकदम खाली है ये। 108 रुपये हमारे यहाँ 100 में ही है ना, 98 है हाँ, यहाँ पे 108। हमने अपनी जयपुर जर्नी की शुरुआत की एक खास जगह से। कहते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए गणेश जी का नाम लेके, और जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और वो मेरे पीछे है। तो मैं बिरला मंदिर जा रहा था तो मैंने सोचा कि भाई पहले यहीं पे आते हैं और अपनी ट्रिप की शुरुआत यहीं से करते हैं, और आपको भी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है और स्पेशली लोकल्स के बीच काफ़ी फेमस है। तो आप यहाँ पर आएँ, आपके मन में जो इच्छा है वो भी पूरी करें और दर्शन करें यहाँ पर। और मोती डूंगरी मंदिर के ठीक सामने ही पड़ता है खूबसूरत सा बिरला मंदिर। बिरला मंदिर की टाइमिंग आप जान लें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आए। सुबह 6:30 बजे ये मंदिर खुल जाता है और 12 बजे दोपहर तक खुला रहता है और उसके बाद बंद होता है 3:30 बजे तक, और 3:30 से रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। संगमरमर का पूरा ये मंदिर बना हुआ है और बहुत प्यारा लगता है, और मेरे हिसाब से जो प्रेफरेबल टाइम आपके लिए हो सकता है वो इवनिंग का ही होगा और या तो एकदम सुबह सुबह होगा, तो इन दोनों टाइम पीरियड में आप आ सकते हैं क्योंकि गर्मी के टाइम में आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी हॉट रहता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और अब मैं पिंक सिटी की तरफ ही बढ़ रहा था पर रास्ते में पड़ने वाले इस बिल्डिंग ने हमें रोक लिया। जयपुर में एक बहुत ही फेमस सा म्यूजियम है जिसका नाम है केंद्रीय संग्रहालय, जिसको अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, और वो रहा ये। इवनिंग में ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शूट वूट भी चलते रहते हैं, मतलब प्री वेडिंग शूट वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पे करवाते रहते हैं क्योंकि ये लोकेशन बहुत प्यारी आती है, फ़ोटोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी प्लेस है। अगर आपको म्यूज़ियम पसंद है तो आप अंदर जा सकते हैं, 50 रुपये के आसपास एंट्री फीस आपकी लगेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे बाहर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। तो हवा महल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पिंक सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिरला मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन ये है, यहाँ पे आप ज़रूर आना। जयपुर में इस विंटर में आप आते हैं मतलब दिसंबर में, तो आपको यहाँ पर कुछ मेले वेले भी दिखेंगे और इसके भी अपने मज़े हैं। और ये हुई गेट में एंट्री, यहाँ पे ऐसे गेट आपको दिखेंगे और सिटी में ही और ये बने हुए हैं प्रॉपर। अब हमारी एंट्री इसी गेट के साथ पिंक सिटी के अंदर हो गई है, जहाँ पर आप देखेंगे ये दीवारें पिंक पिंक, अब पूरी आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज पूरी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखेंगी। पिंक सिटी सबसे ज्यादा इवनिंग में ही खूबसूरत दिखती है जब यहाँ की लाइटिंग्स ऑन हो जाती है। तो भाई ये है हवा महल, इस टाइम इवनिंग में जब आप आते हैं तो ये कुछ ऐसी लाइटिंग्स हो जाती है। कल मैं यहाँ पे जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा अंदर से भी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है।
जयपुर में जनरली सुबह का जो नाश्ता होता है वो होता है पोहा, लेकिन मैं पिछली कई वीडियो में पोहा दिखा चुका हूँ, तो इस बार मैं आपको नया दिखाता हूँ और ये है यहाँ की कड़ी कचौड़ी। यहाँ पर कचौड़ी को पहले कैची से या फिर किसी भी तरह से क्रश करते हैं, क्रश करके उसमें डालते हैं कड़ी और फिर उसके बाद ये आपको सर्व करते हैं। और ये आपको यहाँ पर 20 रुपये 15 रुपये में और 25 रुपये में अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट है, उसके हिसाब से मिल जाता है और काफ़ी टेस्टी होता है। और यहाँ पर ही आपको मिलता है, आपको पूरे राजस्थान में वैसे मिलेगा पर जयपुर की एक बार आप ट्राई करना जब यहाँ पर आना, स्पेशल होता है और बहुत ही टेस्टी भी। नाश्ते के बाद मैं पहुंचा यहां के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, जहां इस शॉप पर आप चाय जरूर ट्राई करना। महाराष्ट्र में चाय को अमृत तुल्य कहा जाता है और यहां पे मैंने चाय ले लिया है। 20 रुपए की चाय है, गुड़ की चाय मैंने मंगाई है, वैसे यहां 10 रुपए में भी मिल जाती है, छोटी कप में चीनी वगैरह की मिल जाती है। तो ये येवले की चाय है, येवले अमृत तुल्य जो कि महाराष्ट्र का ब्रांड है, काफ़ी चलता है, पर यहाँ पे भी फ्रेंचाइजी खुली हुई है। तो मैं आ गया यहाँ पर और बहुत बढ़िया चाय है, आप आगे ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, चाय के शौकीन लोग अच्छा रिव्यू खुद दे सकते हैं। आज की शुरुआत होने वाली थी आमेर फोर्ट से, और पिंक सिटी के भीड़ भाड़ वाले रास्तों से निकल के जब आप आमेर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले पड़ता है जल महल। जब आप आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट या फिर जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में पड़ता है जल महल। और जल महल कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आप वहां तक बोट से तो नहीं जा सकते हैं बट दूर से आप देख सकते हैं। और यहां की मार्केट ख़ास है, मतलब यहां पर आपको राजस्थानी वाली ड्रेसेस जो चाहिए, जूतियाँ वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ मिल जाती है। और व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी प्लेस है, और इवनिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ ज़्यादा रश देखने को मिलेगा और फोटोज़ वगैरह उस टाइम आपकी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी आएगी। आमेर फोर्ट है, आमेर का किला आ चुका है और ये रहा सामने हमारे, सामने ये लेक दिखती है और आगे सामने आपको वो दिख जाएगा पूरा फोर्ट की दीवारें जो किले की है। और जो गाड़ी हम खड़ी करेंगे, आप भी अगर हो तो इस जगह पे यहाँ पे ना खड़ी करें, फोर्ट के पीछे जाता है रास्ता, उस रास्ते पर जाएं, वहाँ पर आपको अच्छी पार्किंग भी मिल जाएगी, प्लस आपको चलना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ से पैदल काफ़ी चलना पड़ जाता है। पार्किंग में यहाँ पर आ गए हैं और पार्किंग की अच्छी सुविधा है। अब जितना ऊपर मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ इतना आपको पैदल चलना पड़ता है अगर आप सामने की तरफ से आते हैं। ये देखो अच्छी पार्किंग है इधर, और वो जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये वो एरिया है जो पूरा आमेर फोर्ट के पीछे का है, और जो पुराने किला में जो किले में काम वाम करते थे, जो मज़दूर काम करते थे, उनके घर वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो ये पूरा मतलब इलाका ऐसा कुछ है और बड़ा ही शानदार यहाँ ऊपर से जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो दिखता है। फिलहाल चलते हैं आमेर की तरफ, किले में एंट्री करते हैं। आमेर फोर्ट के अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर ये टिकट ले ली है। टिकट का जो प्राइस है वो पहले से 2 रुपये मात्र बढ़ चुका है, पहले 100 का होता था अब 102 रुपये का टिकट है। वही अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये टिकट केवल 22 रुपये का है, और अपने साथ आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो अपनी स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करें, इससे आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप कंपोजिट टिकट ले सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंपोजिट टिकट वो टिकट होती है जिसमें आप यहाँ की 9 मेन प्लेसेस होती हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ 9 कौन सी प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस की टिकट मिल जाती है और इन सभी जगह वो कंपोजिट टिकट काउंटर पे मिल जाती है। 422 रुपये की एक टिकट होती है जो कि 2 दिन के लिए वैलिड होती है, और इसको लेके आप इन प्लेसेस से जा सकते हैं, बार बार आपको टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये सारी प्लेसेस घूमना चाहते हैं तभी लें, अदरवाइज़ ना लें। स्टूडेंट्स के लिए यही टिकट कंपोजिट टिकट 122 रुपये का मिलता है, तो अपनी स्टूडेंट आईडी कैरी करें और कंपोजिट टिकट की के साथ आप यहाँ पर आराम से घूमें। आमेर के किले का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। आमेर फोर्ट का ये है हमाम, यानी जहाँ पे नहाने के लिए
अरेंजमेंट होता था। तो ये जो आप जो नीचे देख रहे हैं दो होल, इसके अंदर लकड़ियां जलाई जाती थी और जिससे यहाँ पे गर्माहट होती थी, भाप जमती थी और पूरा ये एरिया गर्म हो जाता था जिससे आसानी से नहाया जा सकता था। तो ये कुछ अरेंजमेंट किया जाता था, उस टाइम गीज़र तो होते नहीं थे, आज भी प्रॉब्लम होती है राजस्थान में पानी की। तो उस टाइम पानी स्टोरेज किया जाता था उसी समय से, बरसात का पानी। और इस पूरी ज़मीन के नीचे एक पूरी हौज बनी हुई है, पूरी टंकी बनी हुई है जिसमें पानी का, जिसमें पूरा पानी स्टोर होता था, बरसाती पानी। और वो भी मैं आपको थोड़ा सा चल के आगे दिखाता हूँ। ये वो है, ये पूरी टंकी है और काफ़ी गहरी टंकी है। यहाँ पर आमेर फोर्ट में शीश महल, दीवाने खास और मान सिंह का महल भी है और यहाँ एक सुरंग भी है जो जयगढ़ फोर्ट के लिए जाती है। व्यूज आपको यहाँ से पूरा ये दिखता है ऐसा कुछ। हम उसी रोड से यहाँ पर आए हैं और इसके पीछे होके फिर पीछे के रास्ते से आए हैं। यहाँ पर आप सुबह सुबह जब आते हैं तो आपको एलिफेंट राइड, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये रास्ता, यहाँ से एलिफेंट राइड करके भी आ सकते हैं। 1100 रुपये उसका चार्ज लगता है। और ये जो आप गार्डन देख रहे हैं इसको केसरी गार्डन कहते हैं। और यहाँ पर इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि 250 रुपये का टिकट होता है, आप काउंटर से ले सकते हैं, जो कि लगभग 5:30 से 6:30 होता है, फिर उसके बाद 7:30 और 8:30 भी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इवनिंग में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हर टाइम की अपनी ब्यूटी है। और बाकी आमेर फोर्ट बहुत प्यारा है और बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। पूजा जयपुर की रहने वाली है और मैंने इनसे पूछा कि भाई हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई कैफ़े सजेस्ट करो, तो इन्होंने बताया वाराही कैफ़े में जाओ। और वहाँ पे हम आ चुके हैं और ये रहा हमारा स्टार्टर। तो अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कैफ़े अलग टाइप का, यूनिक डिफरेंट, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट एक ही पूरे रूट में, एक ही लाइन में है। और सबसे पहले आप आमेर कवर कर सकते हैं, फिर जयगढ़ और फिर नाहरगढ़। तो उसी तरह से मैं भी कवर कर रहा हूं। और ये मतलब रोड भी कुछ ऐसी ही है, घुमावदार रास्ते वगैरह हैं यहाँ पर, थोड़े आप सावधानीपूर्वक चलाएं भी अगर आप अपनी स्कूटी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हेलमेट वगैरह हमेशा पहने रहे यहाँ पर, क्योंकि जयपुर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है, अदरवाइज चलान वगैरह हो जाएगा। और कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पे चेकिंग नहीं हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं पुलिस वाले और चेकिंग हो सकती है, तो ध्यान रखें और आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है। आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और ये प्लेस कंपोजिट टिकट के अंडर नहीं आती है। कुछ बजट फ्रेंडली लोगों के पैर जयगढ़ फोर्ट में आने से रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 150 रुपये का यहाँ का एक लोग का एंट्री टिकट है। और स्टूडेंट है तो आपको 75 रुपये इसके लिए देने पड़ेंगे। आईडी अपने साथ रखें स्टूडेंट वाली। पार्किंग भी यहाँ पे 20 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर बेसिकली विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जयवाड़ तोप जिसका नाम है। उस तोप को मैं आपको दिखाता हूँ, जयवान तोप के पास में मैं आ गया हूँ और तोप आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी सी ये तोप है और पहियों का साइज़ आप इसका देखो, उसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब ये विश्व की सबसे बड़ी है या नहीं, इस पर विवाद ज़रूर है, क्योंकि मैं रशिया गया था तो वहाँ पर बोल रहे थे उनके पास है, पर ये तो मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही है। और इस जो तोप का इस्तेमाल किया गया था केवल एक बार किया गया था, और वो इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, वो मतलब कि परीक्षण किया गया था केवल। और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर तक की है, तो काफ़ी दूर तक जाती है जब ये मारती है तो। बट ये उसके बाद दोबारा कभी चलाया नहीं गया और तब से ये खड़ी हुई है, और ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो पूरे जयगढ़ फोर्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो कुछ ऐसा बनाया गया है कि कोई सेना यहाँ पर कभी पहुँच ही नहीं पाई। पर जयगढ़ फोर्ट केवल अपनी तोप के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ पुराने अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं और यहाँ पर भी पानी की स्टोरेज के लिए बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं। आप यहाँ पर मजेदार पपेट शो भी देख सकते हैं। वहीं किले के अंदर गलियारों से होते हुए आप एक बहुत ही प्यारे व्यू पॉइंट तक भी पहुँचते हैं।
जयगढ़ फोर्ट के कॉर्नर पॉइंट पे बिल्कुल मैं आ गया हूँ और जयगढ़ फोर्ट के नाम पर ही जयपुर का नाम पड़ा है जिसका निर्माण करवाया था राजा जयसिंह ने। और ये अगर आप देखोगे बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है, यहाँ पे गार्डन दिखेगा, यहाँ पे ये वाला आपको एक एरिया दिखेगा कॉर्नर पॉइंट और यहाँ से नीचे पूरा व्यू दिखेगा। ये जो इधर आप देख रहे हो ये है आमेर का किला। ऑलरेडी हम आमेर में जब गए थे तो काफ़ी ऊपर था और अब आप देखो कितना ऊपर आ चुके हैं। अगर इधर से आप देखोगे तो ये पूरी दीवारें गई हैं, वो किले की दीवारें कितनी दूर तक गई हैं, वहाँ से होते हुए वो मतलब जहाँ तक नज़रें जा रही है वहाँ तक इसमें दीवारें मतलब बनाई गई हैं। तो ये किला 150 रुपये के प्राइस में आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा प्राइस तो ऑब्वियसली है यहाँ पर ठीक है, मेंटेनेंस में लगते हैं, पर जब आ रहे हैं घूमने तो खर्च तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर आए बिना आपकी जयपुर की यात्रा पूरी नहीं होती है क्योंकि नाम तो इसी के ऊपर रखा गया है ना जयपुर का। एक यूनिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में। जयगढ़ फोर्ट में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यहाँ पर शादी वगैरह का भी अरेंजमेंट होता है, मतलब शादी भी कर सकते हैं यहाँ पर, पूरा वेन्यू है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा था तो मैंने पूछा यहाँ पर कि भाई क्या चार्ज वार्ज लगता है, तो उन्होंने बताया लगभग 40 से 50 लाख एक दिन का यहाँ पर लगता है बुकिंग अमाउंट। और सिटी पैलेस से आप जाके वहाँ पर पता कर सकते हैं अगर आपको शादी वगैरह करनी है, अगर आपका बजट अलाउ करता है डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो ये जगह है। और यहाँ पे तो भाई रॉयल वेडिंग्स वगैरह ही होती है तो गज़ब की जगह है यहाँ पे, अगर मतलब जिसकी होगी तो क्या बात होगा, सब लोग कर लो साथ। और आज के इस रूट के लास्ट फोर्ट नाहरगढ़ फोर्ट पर अब मैं बेहतरीन नज़ारों के साथ जाने वाला था। धन्यवाद भैया। तो भाई जब आप जयगढ़ फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कुछ आपको ऐसे ये खेजड़ी के पेड़ वगैरह सब दिखाई देंगे और यहीं पे आपको चाय वगैरह का भी बंदोबस्त मिल जाएगा, मैगी वैगी जो खाना है। और यहाँ पीछे बहुत अच्छा व्यू भी दिखता है, उसको भी आप मिस ना करें, बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब छुट्टियों का यहाँ पर पूरा फील आता है जयपुर में। और आप फैमिली के साथ आए चाहे फ्रेंड के साथ, हर किसी के लिए सेफ़ प्लेस है, आराम से घूम सकते हैं। गर्मी के टाइम में थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ही होगी, इसलिए गर्मी का टाइम अवॉइड करें, बाकी किसी भी टाइम आप यहाँ पे आ सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विज़िट अगर मेरे से कोई पूछेगा तो बता सकता हूँ मैं, अक्टूबर से लेके आप यहाँ पर फरवरी या मिड मार्च तक आ सकते हैं, वो टाइम आपके लिए अच्छा होगा। तो आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट में और यहीं पर एंट्री टिकट देख लेते हैं, ये आपके लिए वर्थफुल भी रहेगी ये प्लेस, क्योंकि 50 रुपये की मात्र टिकट है जो कि मतलब रीज़नेबल प्राइस है, और बाकी आप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मात्र 5 रुपये है। निःशुल्क प्रवेश, डेट्स ये हैं, पढ़ लो आप। अब चलते हैं अंदर की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जहां आपको रानियों के लिए बनवाए गए अलग अलग रनिवास भी देखने को मिलते हैं। पर सबसे खूबसूरत है यहां की छत, जहां से पूरे जयपुर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। पर थोड़ा चलकर आप यहां सनसेट पॉइंट तक जरूर जाएं, जहां इस प्यारे से सनसेट को देखने के लिए जमावड़ा लगा रहता है। जयपुर में अगर आप शॉपिंग वगैरह के लिए कोई जगह देख रहे हैं तो आप यहाँ पर खजाने वाली गली एक है पिंक सिटी में, वहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर कपड़ों की अच्छी मार्केट आपको मिल जाएगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो इस जगह पे आ सकते हैं, भीड़ भाड़ दिखेगी और लोकल्स भी लेते हैं यहाँ पर आकर, और सस्ते में चाहिए तो मतलब ठीक ठाक प्राइस में तो यहाँ पर आएँ और बार्गेनिंग भी ज़रूर कराएँ। और भी वैसे यहाँ पर पूरे पिंक सिटी में बहुत सारी मार्केट है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। हवा महल में आ चुके हैं हम लोग और हवा महल की एंट्री फीस है 52 रुपये, स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपये, बच्चों के लिए 22 रुपये। हवा महल के अंदर मैं आ गया हूँ और हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह जी ने, और ये 1799 में बना था। और यहाँ पे फिलहाल आंगन में आके आप देखोगे तो पूरा फाउंटेन चल रहा है, काफ़ी बड़ा सा आंगन है, भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि स्टूडेंट्स का ग्रुप आया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर कठपुतली का भी थोड़ा सा शो भी दिखाऊंगा और ऊपर भी ले चलूँगा खिड़की से भी। बाहर का जो मैं पहले से आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा था, अब यहाँ से बाहर का मार्केट का नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ की छोटी सी खिड़की से। लगभग 87 फीट ऊँचे हवा महल में हर मंजिल को एक नाम दिया गया है और इसकी छोटी छोटी खिड़कियों से बाहर की मार्केट देख के उस
पिछले जमाने में आप जरूर चले जाते हो और ऊपर छत पर जाकर आपको आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट एक साथ भी दिख जाते हैं। हवा महल से अंदर अंदर के रास्ते से ही आपको दो जगहें मिलती हैं, पहला सिटी पैलेस, दूसरा जंतर मंतर। जंतर मंतर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बार जा चुका हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ 50 रुपये की एंट्री फीस है। अगर आपको थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छी जगह पसंद आएगी। अदरवाइज समझ में भी नहीं आती है और समझना है तो गाइड यहाँ पे ले ले, बेटर ऑप्शन है। दूसरे इधर साइड है सिटी पैलेस, जहाँ भी मैं जा चुका हूँ, और यहाँ की एंट्री फीस 300 रुपये, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी कंपोजिट टिकट वगैरह आप ले सकते हैं, जयगढ़ फोर्ट की मिल जाती है, और भी यहाँ पे नाइट शो वगैरह भी होती है, तो बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। सिटी पैलेस भी अच्छी जगह है और इंटरेस्टिंग जगह है, तो ये दोनों प्लेस स्किप कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप अगर पहले कभी नहीं आए हैं तो आप ज़रूर जाना। जयपुर में घूमने के लिए आपके पास 3 दिन होने चाहिए जिसमें आपकी सभी मेन प्लेसेस कवर हो जाती हैं। जयपुर की जो मैं आपको आइटनरी बताऊंगा वो 2 nights 3 days की आइटनरी होगी, जिसमें पहले दिन आप अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे मोती डूंगरी टेम्पल से, उसके बाद उसके ठीक सामने जाएंगे बिरला मंदिर में और फिर जाएंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। देन आप जा सकते हैं यहीं पर जंतर मंतर में, पिंक सिटी एरिया में सिटी पैलेस जा सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर ही है गोविंद देव जी का मंदिर, तो ये प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं डे वन में। डे टू में आप जाएंगे सबसे पहले जल महल, फिर उसके बाद आमेर फोर्ट, फिर उसके बाद आप जाएंगे जयगढ़ फोर्ट, और देन आप नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे। तो ये आपका 2 दिन में ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस कवर हो जाएंगी। इवनिंग में आप पिंक सिटी वगैरह में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा रिलैक्स करके करना चाहते हैं तो वो 3 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं, और तीसरे दिन आप जा सकते हैं, यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है। और अगर आपको पसंद है मॉल्स वगैरह में जाना तो यहाँ पर गौरव टावर मॉल है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ये सब जगह आप जा सकते हैं। तो ये आपकी 3 दिन की आइटनरी होगी, और बजट अब मैं आपको बताता हूँ। तो होटल यहाँ पर आपको लगभग 1200 रुपये पर नाइट 2 adults में मिल जाता है, मील्स आपको लगभग 500 रुपये का पर डे का खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप स्कूटी का यूज़ करते हैं तो आपका लगभग 500 रुपये का पर डे का खर्चा आएगा पेट्रोल वगैरह डलवा के, तो ये आपका रहेगा। और अगर कार वगैरह लेते हैं तो भी आपका 100-200 रुपये पर डे का पर पर्सन में बढ़ेगा। अब आपका यहाँ पर एक और खर्चा है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब पर पर्सन बजट जान लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग कम से कम 2 लोग जा रहे हैं, तो होटल का खर्चा 2 लोगों में बढ़ जाएगा, तो होटल का आपका मैं 3 nights का जोड़ लेता हूँ, उस हिसाब से आपका लगभग 1800 रुपये एक बंदे पे होटल का खर्चा आएगा, मील्स का आपका 1500 आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन पर आपका लगभग 700-800 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और जो मेन एक खर्चा होगा ही होगा और आपको करना भी चाहिए, वो है यहाँ पर एंट्री टिकट्स पे, वो महंगे हैं और इसके लिए आपको कम से कम 1000 रुपये का बजट अपने पास रख के चलना पड़ेगा। तो टोटल जब आप इसका करेंगे तो लगभग 5000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आएगा, जितने में आप जयपुर अच्छे से घूम सकते हैं। आप इससे कम में भी 3000-3500 रुपये में भी घूम सकते हैं। इसके लिए आप बस का, मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में सस्ते होटल्स पकड़ सकते हैं, यहाँ पर सब मिल जाती है। तो अगर आप चाहेंगे तो 3000 रुपये में भी यहाँ पर घूम सकते हैं, अगर सोलो ट्रैवलर हैं आप। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी, और अगर आपको और भी किसी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेस के बारे में जानने के लिए। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।